हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइना कलर टीवी केट पीसीबी लेआउट। इसमें आज हम आपको बताएंगे, पहले तो आपको ये दिखा देते हैं, इसमें जो आईसी लगा है वो है 88736। तो ये इसका जंगल आईसी है। इस पर आज हम ज़्यादा ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये इसका सीआरटी का सेक्शन हो गया। आज हम इसकी जो मेन हमारा है वो है एसएमपीएस सप्लाई। दोस्तों, इस पर वीडियो क्यों बनाने जा रहा हूँ मैं, कि कई बार क्या होता है कि ये जो आप जिंदर डेड वगैरह देख रहे हो, वीडी 517, वीडी 516, इसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, पीएफ है, कंडक्टर है, कई बार सप्लाई जल जाती है हमारी, तो उस वक्त हमको उस टाइम हमको पता नहीं चलता कि कौन सी रजिस्टेंस जल गई है या कौन सा जो है कि डायोड वगैरह है, इसका नंबर क्या है। तो इसीलिए मैं आपको ये एक छोटी सी वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें, एसी 220 वोल्ट, आगे स्विच, उससे आगे L501 जो एक कॉइल है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, एसी को जो एसी मेन सप्लाई उससे फिल्टर करती है। RT501 PTC ये है डिगोजन कोयल के लिए। उसके आगे ये VD503, C505, VD506 और ये रेजिस्टेंस आ गई ज़्यादा जो ओपन हो जाती है R520, 120 के और 120 के दोनों सीरीज में लगी है। तो आप इस सर्किट को गौर से देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। आगे भी मेरे पास काफ़ी जो सर्किट डायग्राम है उसकी वीडियो मैं इसी तरह आपको दिखाऊंगा। ये देखें तो ये ज़्यादा बार इन रेजिस्टेंसों के ओपन होने के कारण आपका जो सेट है वो डेड हो जाता है, क्योंकि ये आप ट्रेस करके देख सकते हो जो इसका बेस है, मेन बीयू मेन ट्रांजिस्टर है, V513 इस पर जाता है। और एक और है, ये वाले पीएफ ये काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट होने के कारण भी आपका सेट डेड हो जाता है, उसमें बाकी पावर सप्लाई सही रहती है। तो ये जो है V512, ये आप देख लीजिए कि ये R526 2K7, R517 बंद के इस तरह रेजिस्टेंस वगैरह है। आप ऐसा इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर रोक देता हूँ। ये तो था जो पीसीबी का डायग्राम, मैं अभी आपको दूसरा साइड इसकी दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी पावर सप्लाई ये रही। तो यहाँ पर वोल्टेज भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर रोक देता हूँ, आप यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट
ले सकते हो, जो भी रजिस्टेंस है, जो भी नंबर है, ये देखिए यहाँ पर डैड का नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है, सभी का वोल्टेज भी लिखे हुए हैं, और ये आउटपुट सप्लाई है 110 वोल्ट, आप जहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 27 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये तो आज की वीडियो तो मेरी इतनी है, बाकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, उसमें ये आईसी की जो सभी है पेन वोल्टेज वगैरह मैं उसमें दिखाऊंगा, ये देखें। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।